सभी विद्यार्थियों को और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको कई सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड के लिए आपके लिए आवश्यक है। किन किन वर्गों की छात्राओं को मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है और कितना कितना पुरस्कार मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कक्षा 8 में अपने ज़िले में सभी कैटेगरियों की टॉपर बालिकाएं होती है उनको 40,000 रुपये इसमें मिलते हैं। इसके बाद में जो 10वीं क्लास की अपनी कैटेगरी में टॉपर बालिकाएं होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको 75,000 रुपये की सहायता राशि या प्रोत्साहन राशि मिलती है। और जो 12वीं में अपने कैटेगरी में अपने सब्जेक्ट में टॉपर बालिकाएं होती है अपने डिस्ट्रिक्ट में उनको 1 लाख रुपये मिलते हैं और साथ में स्कूटी मिलती है। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जो इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड है वो कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं की जो बालिकाएं होती है अपने ज़िले में टॉपर बालिकाएं। 12वीं के सभी सब्जेक्ट इसमें आते हैं, कला है, विज्ञान, वाणिज्य, तीनों संकाय की अलग अलग मिलती है। तो प्रत्येक ज़िले में जो टॉपर बालिकाएं होती है उनको ये मिलती है। तो 8 कैटेगरी इसकी होती है, एक सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, BPL, निःशक्त वर्ग, इन सभी की बालिकाओं को ये मिलता है। तो उन बालिकाओं को मिलता है जो अपने कैटेगरी में टॉपर होती है अपने डिस्ट्रिक्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट में अपने कैटेगरी में टॉप बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार मिलता है। तो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से प्राप्त पात्र बालिकाओं की सूची संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त बालिकाओं से आवेदन पत्र भरवाए जाने हैं। आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने हैं और इनके अलावा कुछ भी आपको नहीं लेना है। क्या क्या लेना है आपको? नियमित अध्ययन प्रमाण पत्र, छात्रा अगली कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत होनी चाहिए और उसका प्रमाण पत्र उसको लगाना होगा। कोचिंग कर रही छात्राओं को ये पुरस्कार देय नहीं होता है। जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है, बैंक पासबुक की प्रति, और यदि बैंक पासबुक नहीं है तो निरस्त चेक की प्रति आपको लगानी पड़ेगी, जन आधार कार्ड की प्रति लगानी पड़ेगी और अंक तालिका की प्रति परीक्षा 2022 के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट इसमें आवश्यक है। तो 2022-23 में पुरस्कृत होने वाली पात्र बालिकाओं के आवेदन पत्र भरवाकर कार्यालय में सुरक्षित रखे जाने हैं। उक्त योजना में आवेदन पत्रों भरवाए जाने की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में अवगत करा दिया जाएगा, यानी जो इसकी प्रक्रिया रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी। साथ ही ये भी लेख है कि आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त 5 प्रमाण पत्र, जो यहाँ पे 5 प्रमाण पत्र है, इनके अलावा किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र बालिकाओं से नहीं लेना है। तो इसमें जो सूची है, अब सबसे बड़ी बात है कि किन किन बालिकाओं को मिलेगी, तो जो इसकी सूची है वो सूची मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं में, ऊपर पर यहाँ पर लिखा है कक्षा 10 इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के लिए जो टॉपर बच्चियाँ हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब यहाँ पे कक्षा 10वीं में अलग अलग संकाय तो होते नहीं है, तो 10वीं की एक ही लिस्ट है और इसमें सभी कैटेगरी की बच्चियों की हम बात करेंगे। जो 8 कैटेगरियाँ इसमें होती है, PH यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होते हैं बच्चे, दिव्यांग वाले, BPL, SBC, OBC, ST, SC, माइनॉरिटी और जनरल, इन सभी कैटेगरी की लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे PH दिव्यांग बच्चियों की, अपनी कैटेगरी में टॉपर जो दिव्यांग बच्चियाँ हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज उनके बारे में जान लेते हैं। तो यानी 10वीं में 8 बच्चियों को एक ज़िले में 8 कैटेगरी में जो टॉपर बच्चियाँ हैं 10वीं में उनको ये पुरस्कार मिलना है और 75,000 रुपये 10वीं में टॉपर बच्चियों को जिला स्तर पे मिलते हैं। यानी ST की टॉपर जो जिला स्तर पे होती है उसको अलग मिलेगा। ऐसे 8 कैटेगरी में जो जिला स्तर में टॉपर बच्ची है उसको ये पुरस्कार मिलना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अजमेर में कौन टॉपर है। ये अजमेर में 3 बालिकाएँ फिजिकल हैंडीकेप्ड यानी दिव्यांग बालिकाएँ टॉपर है। ये इनके नंबर है लास्ट में, यहाँ पे रोल नंबर है, ये स्कूल की आईडी है, स्कूल का नाम है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट का नाम है और यहाँ पे ये बालिका का नाम है, फादर्स नेम है और उनके जो 2022 की बोर्ड परीक्षा में नंबर आए हैं वो यहाँ पे है। अजमेर के बाद में देखिए ये अलवर के नाम है 3, इन छात्राओं को में से किसी एक को मिलना है पुरस्कार। भीलवाड़ा का एक नाम है दिव्यांग कैटेगरी में, बारा का एक नाम है, बाड़मेर के 3 नाम हैं, ये टॉपर बच्चियाँ हैं दिव्यांग में, भरतपुर के 4 नाम हैं और सभी को जिनके नाम यहाँ पे दिख रहे हैं उन सभी को ये फॉर्म भरना होगा। और हो सकता है इस बार इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएं तो आपको सावधान रहना है और
जैसे भी ऑनलाइन या ऑफलाइन है, अपने स्कूल के संपर्क करके जहाँ पे आप 11वीं पढ़ रहे हो वहाँ से अध्ययन प्रमाण पत्र आपको लेना है, वहाँ के संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और ये फॉर्म भरवाया जाएगा। तो आप अपने स्कूल में संपर्क करके बोलें कि ये फॉर्म आपको भरवाना है, हमें फॉर्म भरना है। दो बच्चियाँ भीलवाड़ा की है, तीन बीकानेर की है, एक बूंदी की है, एक चित्तौड़ की है। ये लिस्ट मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज सॉर्ट कर ली है, ये चूरू की है। ये लिस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, केवल मेरे ही चैनल पे ये लिस्ट आपको मिलेगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। ये दो दौसा की बच्चियाँ हैं, इसके बाद डूंगरपुर की बच्चियाँ हैं जिन्होंने 10वीं 2022 में पास करी है, और जो दिव्यांग कैटेगरी के अंदर है तो चार बच्चियाँ, पाँच बच्चियाँ डूंगरपुर की है। इसके बाद हनुमानगढ़ की तीन हैं, जयपुर की है तीन, दो जालौर की है, एक झालावाड़ की है, और ये झुंझुनू की, देखिए यहाँ से यहाँ तक झुंझुनू की बच्चियाँ हैं, जोधपुर की बच्चियाँ हैं, और उसके बाद करौली की है, कोटा की एक है, नागौर की है ये बच्चियाँ, पाली की दो बच्चियाँ हैं, राजसमंद की दो है, सवाईमाधोपुर की एक है। तो इन बच्चियों को अपनी कैटेगरी में, जो हैंडीकैप्ड वाली कैटेगरी है उसमें ये पुरस्कार मिलना है। इसके बाद में सीकर है, सिरोही है, और ये है श्री गंगानगर की लिस्ट, टोंक, और ये उदयपुर की टॉपर बच्चियों की लिस्ट है नीचे। ये टॉपर बच्चियाँ दिव्यांग कैटेगरी में, तो ऊपर ऊपर वाली बच्ची के नंबर सबसे ज़्यादा है, नीचे वाली बच्ची के नंबर कम हैं। तो ये भी शॉर्ट है, जो टॉपर बच्चे का नाम ऊपर है, सेकंड वाले का नीचे है, और तृतीय वाले का और नीचे है, ऐसे। अब देखते हैं बीपीएल कैटेगरी में कौन कौन टॉपर है अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो ये अजमेर की लिस्ट है, ये बच्चियाँ अजमेर की टॉपर बच्चियाँ हैं बीपीएल वर्ग की और 10वीं में उत्तीर्ण करने वाली 2022 में। तो सबसे ज़्यादा नंबर जैसे दीपिका के हैं 562 नंबर, यहाँ पे लास्ट में नंबर भी देखे हैं। और उसके बाद में अजमेर में किरण कुमावत का नंबर है 542 पे, और कृष्णा है 535 पे। तो ये अजमेर की है, ये बच्चियाँ अलवर की है बीपीएल वाली, ये बच्चियाँ बांसवाड़ा की है, इनको 75,000 रुपये मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉपर बच्चियों को ही मिलेंगे, लेकिन फॉर्म सबको अप्लाई करना है। ये 12 की बच्चियाँ हैं, ये बाड़मेर की है यहाँ से यहाँ तक, बाड़मेर के बाद में ये भरतपुर की है, ये भीलवाड़ा की है टॉपर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें ताकि आपके काम आए। ये बीकानेर की है, ये बूंदी की है, चित्तौड़ की है, चित्तौड़ के बाद में यहाँ पे देखिए आप, ये चूरू की है, एक ऊपर रह गई, ये है दौसा की, धौलपुर की, ये डूंगरपुर की, एकदम ऊपर रहे यहाँ से यहाँ तक डूंगरपुर की, फिर ये हनुमानगढ़ की है, यहाँ तक सारी बच्चियाँ। ये बीपीएल वर्ग की टॉपर बच्चियाँ 10वीं क्लास में पास होने वाली 2022 में। जयपुर की है, ये जैसलमेर की है, ये है जालौर की, झालावाड़ की, झुंझुनू की, ये जोधपुर की टॉपर है बीपीएल वाली, ये करौली की टॉपर है बीपीएल वाली, ये कोटा की टॉपर है बीपीएल वाली, नागौर की टॉपर है बीपीएल वाली, पाली की टॉपर है बीपीएल वाली 10वीं उत्तीर्ण, ये प्रतापगढ़ की टॉपर है, ये राजसमंद की टॉपर है, और ये सवाईमाधोपुर की टॉपर है, ये बीपीएल वर्ग की, सीकर की टॉपर है, ये सीकर के बाद में ये सिरोही की टॉपर है, श्री गंगानगर की टॉपर है, टोंक की टॉपर है, और नीचे इन चाहिए उदयपुर की टॉपर है बीपीएल वर्ग की। बीपीएल के बाद में अब हम बात करेंगे एसबीसी कैटेगरी की। तो देखिए अजमेर में ये बच्चियां टॉपर है एसबीसी वर्ग में 10वीं उत्तीर्ण 2022 में। उसके बाद में ये अलवर की टॉपर है, ये बांसवाड़ा की टॉपर है, ये बारा की टॉपर है, बाड़मेर की टॉपर है, भरतपुर की टॉपर है, ये 10वीं उत्तीर्ण एसबीसी वर्ग की, भीलवाड़ा की टॉपर है, बीकानेर की टॉपर है, ये बूंदी की टॉपर है, चित्तौड़गढ़ की टॉपर है, ये बच्चियां चूरू की टॉपर है। देखिए इनमें जो ऊपर ऊपर वाली बच्ची है वो टॉपर है, और उसके नीचे सेकंड स्थान है, और फिर उसके नीचे तृतीय स्थान, ऐसे है। जैसे ऊपर ऊपर वाली बच्ची जो चूरू जिले में है उसके 553 है, फिर
नीचे इस उसके नीचे वाले की 531 है, 520 है, 514 है और 506 है। फिर नीचे दौसा ज़िले की बच्चियां आ गई है, दौसा के टॉपर बच्चियों के नाम है। धौलपुर की टॉपर, ये कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी है SBC, ये डूंगरपुर की है। हनुमानगढ़ की टॉपर है, जयपुर की टॉपर है। जालौर की टॉपर है, झालावाड़ की टॉपर है। झुंझुनू की टॉपर है, ये सारी बच्चियाँ। और उसके बाद में ये जोधपुर की टॉपर है, करौली की टॉपर SBC वर्ग की। ये कोटा की टॉपर SBC वर्ग की। नागौर की टॉपर SBC वर्ग की। पाली की टॉपर है SBC वर्ग की। प्रतापगढ़ की टॉपर है SBC वर्ग की। दसवीं उत्तीर्ण राजसमंद की टॉपर SBC वर्ग की। सवाई माधोपुर की टॉपर है SBC वर्ग की। ये सीकर की टॉपर है। सिरोही की टॉपर है। श्री गंगानगर की टॉपर है। ये टोंक की टॉपर है। और नीचे नीचे ये उदयपुर की टॉपर है। और अभी किसकी बात कर रहे थे अपन? अपन बात कर रहे थे SBC वर्ग की। अब यहाँ पे नीचे नीचे मैं सीट बोलता हूँ OBC, तो ये बच्चियाँ OBC की टॉपर है अपने कैटेगरी में। एक बच्ची को एक ज़िले में पुरस्कार मिलना है। तो ये सारी अजमेर की टॉपर बच्चियाँ हैं। ऊपर ऊपर सिमरन राउत है, 577 नंबर है इन दोनों बच्चियों के बराबर है। तो अलग तरीका होता है फिर चूज करने का, गणित विज्ञान और एक विषय अंग्रेजी, इनमें देखा जाता है कि इनमें टॉपर कौन है, तो दोनों में से एक को मिलता है। तो इन सारी बच्चियों को फॉर्म अप्लाई करना है, केवल एक को ही मिलना है। हो सकता है टॉपर बच्ची कहीं और चली जाए, उसने फॉर्म रेगुलर नहीं भरा हो, तो वो फिर इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएगी। और इस बार हो सकता है फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएँ इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के लिए। तो ये अजमेर की टॉपर है, ये सारी अलवर की टॉपर है। किसकी? OBC वर्ग की। बांसवाड़ा की टॉपर है OBC वर्ग की। ये बारा की टॉपर है OBC वर्ग की। ये बाड़मेर की टॉपर है। भरतपुर की टॉपर है यहाँ तक। भीलवाड़ा की टॉपर है। ये बीकानेर की टॉपर है। बूंदी की टॉपर है। ये चित्तौड़ की टॉपर है, दसवीं उत्तीर्ण OBC वर्ग की। ये चूरू की टॉपर है। ये दौसा की टॉपर है। धौलपुर की टॉपर है। ये डूंगरपुर की है। ये हनुमानगढ़ की है। जयपुर की है। ये जयपुर की टॉपर है, देखिए यहाँ तक नीचे भी है। और इसके बाद में ये जैसलमेर की टॉपर है, एक नाम ऊपर रह गया। और ये जालौर की टॉपर है OBC वर्ग में। झालावाड़ की टॉपर OBC वर्ग में, दसवीं उत्तीर्ण। झुंझुनू की टॉपर। जोधपुर की टॉपर। करौली की टॉपर। कोटा की टॉपर। नागौर की टॉपर है ये यहाँ तक। पाली की टॉपर है OBC वर्ग में। प्रतापगढ़ की टॉपर है OBC वर्ग में। राजसमंद की टॉपर है। उसके बाद ये सवाई माधोपुर की टॉपर है। सीकर की टॉपर है। सिरोही की टॉपर है। श्री गंगानगर की टॉपर है। ये टोंक की टॉपर है। और नीचे नीचे ये बच्चियाँ उदयपुर की टॉपर है। इसकी OBC वर्ग की दसवीं उत्तीर्ण। अब बात करते हैं ST की। देखिए ये अजमेर की टॉपर है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लें ताकि काम आए आपके। और जो टॉपर बच्ची का नाम ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर अंतिमा मीना है, ये टॉपर है। उसके बाद में सुमन मीना है, ये सेकंड स्थान पर रही है ज़िले में। तो सभी को फॉर्म भरना है, लेकिन जो टॉपर बच्ची है उसको ही पुरस्कार मिलेगा। लेकिन जो टॉपर बच्ची हो सकता है किसी और चीज़ के लिए चली गई हो, आगे रेगुलर अध्ययन ये नहीं कर रही हो, तो जहाँ पर रेगुलर अध्ययन करते हैं वहीं से फॉर्म भरे जाएंगे। संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और संस्था प्रधान द्वारा ही फॉर्म भरवाया जाएगा। तो आप अपने स्कूल के संस्था प्रधान से कहिए कि ये फॉर्म हमें भरने हैं। तो सभी को भरने हैं। हो सकता है टॉपर बच्ची किसी और कोर्स के लिए चली गई हो, रेगुलर अध्ययन नहीं कर रही हो। तो इसके बाद में ये अलवर की टॉपर बच्चियां हैं। अलवर के बाद में ये बांसवाड़ा की टॉपर है। किसमें? ST वर्ग में। ये बारा की टॉपर है ST वर्ग में। ये बाड़मेर की टॉपर है
भरतपुर की टॉपर, भरतपुर के बाद में भीलवाड़ा की टॉपर है ये, बीकानेर की टॉपर है ये, बूंदी की टॉपर है। यदि आपको इस लिस्ट में देखने में समस्या आती है, आपका नाम इसमें नहीं है, किसी कारणवश छूट गया है दिखाने से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपकी समस्याओं का रिप्लाई करूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी आप ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। इस प्रकार का वीडियो आपको यूट्यूब पर एक भी नहीं मिलेगा। अब देखिए चूरू की लिस्ट है ये, एसटी टॉपर, डिस्ट्रिक्ट चूरू, 10वीं क्लास वाली। ये दौसा की टॉपर है, धौलपुर की टॉपर, प्रतापगढ़ की टॉपर है ये, सॉरी डूंगरपुर की टॉपर है, हनुमानगढ़ की टॉपर है, जयपुर की टॉपर है ये, जैसलमेर की टॉपर है, उसके बाद जालौर की टॉपर है ये, एसटी वर्ग में 10वीं उत्तीर्ण, झालावाड़ की टॉपर है, झुंझुनू की टॉपर है, और यहाँ से देखिए ये जोधपुर की टॉपर है, यहाँ तक करौली की टॉपर है, यहाँ तक कोटा की टॉपर है, यहाँ तक नागौर की टॉपर है, एसटी वर्ग में 10वीं उत्तीर्ण। और प्रत्येक जिले में से एक टॉप बच्ची को पुरस्कार मिलना है। ये प्रतापगढ़ की है, उसके बाद राजसमंद की, उसके नीचे सवाईमाधोपुर की टॉपर ये, सीकर की टॉपर देखिए, उसके बाद ये सिरोही की टॉपर है, श्री गंगानगर की टॉपर है, टोंक की टॉपर है, और ये उदयपुर की टॉपर है। अब देखते हैं एससी वर्ग में। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। ये सारी बच्चियां एससी टॉपर हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिखें, तो उसका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो अब एससी कैटेगरी की डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर बच्चियों की बात करते हैं, तो ये अजमेर की टॉपर है एससी कैटेगरी में, ये अलवर की टॉप है, यानी यहाँ पे जो टॉप 5 बच्चियाँ, इनमें से किसी एक को पुरस्कार मिलना है, लेकिन फॉर्म सबको अप्लाई करने हैं। ये बांसवाड़ा की टॉपर है, ये 12 की टॉपर है, ये बाड़मेर की टॉपर है, भरतपुर की टॉपर, ये भीलवाड़ा की टॉपर है, बीकानेर की टॉपर, बूंदी की टॉपर, चित्तौड़ की टॉपर है एसी वर्ग में, ये चूरू की टॉपर है एसी वर्ग में, ये दौसा की टॉपर है एसी वर्ग में, ये धौलपुर की टॉपर है एसी वर्ग में, ये डूंगरपुर की टॉपर है एसी वर्ग में, हनुमानगढ़ की टॉपर है एसी वर्ग में, ये जयपुर की टॉपर है एसी वर्ग में, जैसलमेर की टॉपर है एसी वर्ग में, जालौर की टॉपर है एसी वर्ग में, झालावाड़ की टॉपर है एसी वर्ग में, झुंझुनू की टॉपर है एसी वर्ग में, जोधपुर की टॉपर है एसी वर्ग में। इनमें से किसी एक को पुरस्कार मिलना है, लेकिन अप्लाई सबको करना है। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये करौली की टॉपर है, ये कोटा की है, नागौर की टॉपर, ये देखिए पाली की टॉपर, प्रतापगढ़ की टॉपर है, नीचे राजसमंद की टॉपर है, सवाईमाधोपुर की टॉपर है, सीकर की टॉपर है, सिरोही की टॉपर है, श्री गंगानगर की टॉपर है, और नीचे टोंक और उदयपुर की टॉपर बच्चियां हैं। अब हम इसमें बात करते हैं माइनॉरिटी वर्ग यानी अल्पसंख्यक वर्ग की डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर बच्चियां कौन कौन हैं। तो जो टॉपर बच्चियां हैं उन सबको फॉर्म भरने हैं, लेकिन किसी एक टॉप करने वाली बच्ची को ही पुरस्कार मिलेगा। जो टॉपर होगी, सब जिसके सबसे ज़्यादा अंक होंगे उसी को पुरस्कार मिलता है, लेकिन फॉर्म सबको अप्लाई करना है, और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सबको अप्लाई इसलिए करना है, हो सकता है जो टॉप बच्ची थी वो कहीं और चली गई हो, रेगुलर अध्ययनरत नहीं हो, तो फिर सेकंड स्थान आने वाली बच्ची को ही पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये अजमेर की टॉप पर है, इसके बाद अलवर की टॉप पर है, बांसवाड़ा की टॉप पर है, ये 12 की टॉप पर है, अल्पसंख्यक वर्ग की बाड़मेर की टॉप पर है, भरतपुर की टॉप पर है, भीलवाड़ा की टॉप पर, बीकानेर की टॉप पर, बूंदी की टॉपर, चित्तौड़ की टॉपर,
चुरू की टॉपर, उसके बाद दौसा की टॉपर, अल्पसंख्यक वर्ग की धौलपुर की, उसके बाद डूंगरपुर की, यह हनुमानगढ़ की टॉपर है, फिर जयपुर की टॉपर है, जैसलमेर की टॉपर है, जालौर की टॉपर है, झालावाड़ की टॉपर है, झुंझुनू की टॉपर है, जोधपुर की टॉपर है, करौली की टॉपर है, ये कोटा की टॉपर है, फिर नागौर की टॉपर है, ये यहाँ से यहाँ तक पाली की टॉपर है, माइनॉरिटी वर्ग में प्रतापगढ़ की टॉपर है, नीचे राजसमंद की टॉपर है, और उसके नीचे सवाईमाधोपुर की टॉपर है यहाँ से यहाँ तक, फिर सीकर की टॉपर है, सिरोही की टॉपर है। किसमें? ये अल्पसंख्यक वर्ग में अपने डिस्ट्रिक्ट टॉप करने वाली बच्चियाँ, इनमें से किसी एक को पुरस्कार मिलना है। श्री गंगानगर की, टोंक की और अंत में उदयपुर की टॉपर बच्चियाँ हैं। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी में अपने डिस्ट्रिक्ट टॉप करने वाली बच्चियों के नाम हैं। अजमेर के नाम ये देखिए, किसी एक को पुरस्कार मिलना है। ये अलवर के नाम है, सबसे ऊपर वाली बच्ची की सबसे ज़्यादा नंबर है, जिसकी 593 नंबर है, 589 है, 587 है, 586 है और लास्ट में 584 है। तो सबसे टॉप करने वाली बच्ची को ही पुरस्कार मिलना है, बाकी फॉर्म सबको अप्लाई करने हैं। ये बांसवाड़ा है, ये 12 है देखिए, इसके बाद नीचे बाड़मेर है, भरतपुर है, फिर भीलवाड़ा की टॉपर है, उसके बाद बीकानेर की है ये, फिर बूंदी की है, बूंदी के बाद में नीचे चित्तौड़गढ़ की टॉपर है, चित्तौड़ के बाद में चूरू की टॉपर है, दौसा की टॉपर है, धौलपुर की टॉपर, फिर यहाँ से डूंगरपुर की टॉपर है, फिर हनुमानगढ़ की टॉपर बच्चियाँ हैं। जनरल वर्ग की यानी सामान्य वर्ग की और 10वीं उत्तीर्ण, ये है जयपुर की, जैसलमेर की, जालौर की, झालावाड़ की, झुंझुनू की, जोधपुर की, ये करौली की, कोटा की, नागौर की, पाली की, प्रतापगढ़ की, राजसमंद की, फिर नीचे सवाईमाधोपुर की है, सीकर की है, सिरोही की है, श्री गंगानगर की है, नीचे टोंक की है और सबसे अंत में उदयपुर की। सामान्य वर्ग की टोल अपनी कैटेगरी में टॉप करने वाली बच्ची को ही मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर्म सबको अप्लाई करना है। हो सकता है इस बार फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, तो आपको इसका ध्यान रखना है और फॉर्म भरना है। यदि किसी भी प्रकार के आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो धन्यवाद साथियों, मेरी प्यारी बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।